नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। लाभार्थी ने तहसील का खटखटाया दरवाजा। उप जिलाधिकारी महसी सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी को दिया प्रार्थना पत्र। ग्राम सभा में आवास की जांच कराने की मांग। पात्र को किया अपात्र, अपात्र को पात्र बनाकर दिया आवास। यहां के प्रधान हैं कुले राज, जो अपने तानाशाही लगातार ग्रामीणों पर दिखा रहे हैं। एक कहावत है कि सैया है दीवान तो डर काहे का। ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को नहीं मिला आवास। लगातार प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं आवास देने के लिए, तो वहीं सेक्रेटरी रोजगार सेवक प्रधान मिलकर बंदर बांट करते हैं और जो पैसा ना दे उसको सूची से उसका नाम काट देते हैं। ऐसा ही मामला बहराइच जिले के तहसील ब्लॉक महसी के भवानीपुर ग्राम सभा से आया है। लाभार्थी रानी पत्नी संतोष कुमार को आवास में नाम था, घर छप्पर फूस का है। पात्रता सूची में 297 नंबर पर नाम भी था, लेकिन सेक्रेटरी उमेश चंद्र प्रधान कुले राज ने पैसा मांगा। पैसा ना दे पाने पर पात्रता का नाम सूची से काट दिया और बताया आप आवास का लाभ नहीं पा सकते क्योंकि नाम क्या है आपका? संतोष कुमार। पिताजी का नाम क्या है? राम निवास। ग्राम सभा कौन सा है? तहसील कौन सा है? जिला कौन सा है? क्या समस्या है आपकी? आप यहाँ पे जो तहसील पे आए हैं इस वक्त के लिए, तो क्या समस्या है आपकी? हमारा आवास का नाम था जी, जो प्रधान और मंत्री रोजगार सेवक ने मिलकर के काट दिया है। उन्होंने हमसे पैसे का डिमांड किया थी कि आपको 30,000 रुपये दिए, हम आपको सुविधा के रूप में आप दिला देंगे आवास। हम पैसे दे नहीं पाए इसलिए मेरा नाम काट दिया गया है जी। आपने किसी अधिकारी से अभी तक शिकायत किया है? ये तो मैंने एसडीएम साहब को दिया है। अच्छा, आपने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, एसडीएम साहब ने क्या बताया आपको? जांच के लिए लिख दिया है। अच्छा, जांच के लिए। आपके यहाँ के प्रधान जी का नाम क्या है? कुले राज। तो आपने प्रधान जी से बात किया था इसके बारे में कि हम गरीब हैं या हमारा जो आवास से नाम आपके कर दिए? बात किया था, उन्होंने कहा था कट गया तो मैं क्या करूँ। अच्छा, उन्होंने बताया कि कट गया था तो मैं क्या करूँ। सूची में आपका नाम था जी? सूची में आपके किस नंबर पर नाम था? 297 पर। अच्छा, और आपके ग्राम सभा में प्रधान किसी को और भी आवास दिए अभी तक? उनको दिए हैं जिनके घर पक्के बने, उनको आवंटित कर दिए जी। उनके घर पक्के बने हैं। कुछ लोगों का नाम आप जानते हैं जी? नाम बता दीजिए। जी 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 चौखन और तिलक राम तनाप हृदय राम लोकुश तनाप हृदय राम जी अयोध्या पुट्टी जी। इनका घर पक्का बना है पहले से? पक्का बना हुआ जी। और इनको जो आवास मिल गया है जी, किस्त जारी हो गई है, द्वितीय किस्त भी जारी हो गई जी, पक्का बना हुआ। और आपसे प्रधान कितने पैसे की मांग किए हैं? 30,000 रुपये की। इस वक्त ये देखा जा रहा है, इस वक्त यहाँ पे कि जो है योगी सरकार में लगातार गरीबों को जो आवास दिए जा रहे हैं, वैसे ऐसे जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो प्रधान जैसे हैं या मंत्री हैं, वो लोग पैसे की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। अगर लाभार्थी पैसा ना दे पाए तो उसका आवास से नाम काटा जा रहा है। आज इस जो ग्रामीण को आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो तहसील का चक्कर लगा रहा, आज SDM साहब के यहाँ आया है, यहाँ पर अपनी समस्या बताया है। SDM साहब ने बताया ठीक है, हम जाँच करवाएँगे। और ऐसे अधिकारी यहाँ पे हैं जो लगातार ग्रामीणों के जो है पेट पर लात मारने के लिए तैयार हैं। 30,000 रुपये लाभार्थी ने नहीं दे पाया, कच्चा घर अपना बता रहा है, उसके बाद जो है इसका नाम काट दिया गया केवल पैसे की डिमांड पर। जो उच्च अधिकारी लगातार इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, वह इसी मामले को लेकर तहसील महसी में आज लाभार्थी आया है और SDM साहब को अपनी बात को बताया। SDM साहब ने बताया है ठीक है, हम जो है जाँच करवाएँगे, आपको जाँच का आदेश दे दिया गया है। और क्या बताएं, आपका आवास में जो नाम था क्या बताए हैं? बताया कि अगर आवास को नाम तो ले पाएगा, लेकिन जाँच के लिए भेज रहे हैं, जो पार्टी जो उनको आपात किया गया उनके नाम कटेंगे। जी जी।